नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। रक्षाबंधन स्पेशल में मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। यूनिक मिठाई तो नहीं कहूँगी मैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम खर्चे में बनाएंगे हम, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। रक्षाबंधन जो हम लोग अपने प्यार को दिखा सकते हैं अपने भाइयों को, तो मैं कोशिश कर रही हूँ ये टेडी बेयर बर्फी बना के उन लोग को आप अपने प्यार दिखा सकती हैं। हमारे भाई तो हमारे लिए बहुत ही प्यारे हैं, बिल्कुल ही टेडी बेयर जैसे। तो चलिए इस रक्षाबंधन में हम टेडी बेयर बर्फी बनाते हैं अपने भाइयों के लिए। मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूं आपको। मिल्क पाउडर मैं ले रही हूँ 200 ग्राम्स, मिल्क मैं ले रही हूँ 1 कप, घी मैं लूँगी 2 टेबलस्पून, चीनी मैं ले रही हूँ 2 चम्मच और थोड़े से चोको चिप्स ले रही हूँ। तो चलिए दोस्तों इस बढ़िया सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दिया है, गैस ऑन कर लेते हैं हम। अभी मैं कढ़ाई में घी डालूंगी, थोड़ा सा गर्म होने दूंगी घी को। घी गर्म हो गया है, मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ। अभी इसमें दूध डालूंगी, फ्लेम को फिर मैं मीडियम कर देती हूँ, दूध को तो हल्का गर्म होने दूंगी मैं। दूध हमारा गर्म हो चुका है, अभी मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ और धीरे धीरे से मैं मिल्क पाउडर डालूंगी। मिल्क पाउडर को आप बैच करके डालें, एक साथ सब सारा मत डालिए, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे बैचेस में और इसको मिक्स करते जाएंगे। मैंने फिर एक बार मिल्क पाउडर डाल दिया है, आपको ऐसा डालने के बाद लम्स जैसा लगेगा, उसे आप चम्मच की हेल्प से दबा दीजिए, मिक्स करते जाइए, ये खुद लम्स खुद ठीक हो जाएगा, आप चलाते रहें और लो फ्लेम में रखें गैस को। मैं ये लास्ट बैच भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही है, सब कुछ एक साथ डाल दूँगी, फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको। इसे चलाते रहें आप, इसे हमें अच्छे से मिक्स करके इसे गाढ़ा करना है। मैं चीनी भी इसमें डाल दूंगी इसी पॉइंट में, मैं 2 चम्मच चीनी ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर मीठा होता ही है, तो ज़्यादा चीनी डालने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो मैं 2 चम्मच ही डाल रही हूँ। दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है, हमें और भी गाढ़ा करना है जब तक ये पैन नहीं छोड़ता है, कढ़ाई नहीं छोड़ता है, तो और थोड़ा समय हम कुक करेंगे। हमारा बर्फी देखिए रेडी है, ये कढ़ाई छोड़ रहा है, अभी हम इसे कढ़ाई से निकालेंगे, गैस बंद कर देंगे, निकालेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। तो मैंने गैस भी बंद कर दिया है, अभी मैं ये प्लेट ले रही हूँ, प्लेट को मैं थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लूँगी, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। अभी मैं ये मिक्सचर को रख दूंगी इसमें ठंडा होने के लिए, थोड़े समय के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, फिर हम इसे शेप देंगे। इसे हम थाली में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो देखिए मैंने सारा इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, इसे आप चाहे तो 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में भी छोड़ सकती हैं या बाहर ही इसे ठंडा कर सकती हैं। थोड़ा सा ठंडा होने जब हम इसे हाथ लगा सकेंगे तभी हम इसको शेप देंगे, अभी बहुत ही गर्म है तो शेप देना मुश्किल होगा, तो थोड़ा हल्का ठंडा होने देंगे इसे। हमारा ये बर्फी ठंडा हो चुका है, अभी हम इसको शेप देंगे। तो देखिए मैं ये ले रही हूँ, ऐसा मोल्ड ले रही हूँ, तो आपके पास ऐसा हो तो आप ऐसा ले लीजिए, ये मेरे बच्चों का क्ले का मोल्ड है, मैं वही ले रही हूँ। आपके पास अगर ये कुकी मोल्ड है टेडी शेप का तो वो ले सकती है। धीरे से इसे प्रेस करके इसे निकाल दीजिए, तो देखिए ये बन गया, बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही अच्छा बना है। तो ऐसे हम सारे तैयार कर लेंगे, मोल्ड को हम ऐसे डालेंगे, इसमें डाल के ये साइड का जो है थोड़ा सा निकाल देंगे ताकि हमें ये शेप अच्छे से निकल आए। तो देखिए ये हो गया है, फिर हम इसे दबा देंगे उंगली से, धीरे से दबा देंगे। आपके पास अगर कुकी मोल्ड हो तो ऐसा शेप का वही ले लीजिए। तो देखिए ये भी बन गया हमारा, तो मैं इसे यहाँ रख रही हूँ, पीछे का साइड अगर आपको ठीक नहीं लगे तो उंगली से दबा दीजिए, थोड़ा सा दबा के इसका शेप ठीक कर दीजिए। तो ऐसे मैं सारे तैयार कर लूँगी,
अभी हम चोको चिप्स से इसकी आंखें बनाएंगे, आंखें नाक बनाएंगे। तो ऐसे आप लगा दीजिए चोको चिप्स। दो बटन भी बना देते हैं हम इसमें। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। सिंपल सी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर बनाएंगे टेडी बर्फी अपने भाइयों के लिए। ऐसे आप लगा दीजिए चोको चिप्स को। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, देखते ही खाने का मन होता है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो मैं सारे ऐसे तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कैसे बनाना है वो भी मैं दिखाऊंगी दोस्तों। मैं थोड़ा सा कोको पाउडर ले रही हूँ, अभी थोड़ा सा इस मिक्सचर में डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मैं एक छोटा सा बॉल ले रही हूँ, इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे हम। अब देखिए इसको टेडी का शेप देंगे हम। बीच में थोड़ा ऐसा कर दीजिए, ऐसा शेप का कर दीजिए, क्योंकि हमको इसमें हाथ लगाना है। तो अभी हम ये जो मैंने कोको पाउडर लिया था उससे हम हाथ बनाएंगे, पाँव बनाएंगे और कान बनाएंगे। देखिए मैंने ऐसे 6 बॉल्स बना लिए हैं, 2 कान के लिए, 2 हाथ के लिए, 2 पाँव के लिए। तो चलिए अभी हम इसे लगा लेते हैं। थोड़ा सा हम बीच में ऐसा कर देंगे, तो हम इसे डाल देंगे। इसे दबा दीजिए, फिर दूसरा वाला भी पाँव हम डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा इसमें गैप करके। इसे आप बनने के बाद फ्रिज में रख दीजिए, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा पाँव। अभी हम हाथ लगाएंगे, हाथ को भी डालते समय थोड़ा सा इसमें गैप कर देंगे, गैप करके डालेंगे हम। दूसरे साइड में भी हम गैप कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी हम इसमें कान लगा देंगे, कान को भी उसी तरह आप लगाइए, थोड़ा सा गैप कर दीजिए, गैप करके इसको दबा दीजिए, जो हमारा वाइट वाला पोर्शन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए उंगली की मदद से आप ऊपर का हिस्सा को ठीक कर सकती है। मैंने एक छोटा सा बॉल भी लिया है ये नाक बनाने के लिए, इससे हम नाक बनाएंगे। पहले हम आंख लगा लेते हैं टेडी का। अब ये नाक लगा देते हैं इसमें। नाक लगा के हम और एक चोको चिप्स लगा देंगे इसमें नाक के ऊपर, और यहाँ पे हम इसे बटन लगा देते हैं और भी सुंदर करने के लिए। तो आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो इस तरह से भी आप बना सकती हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है हमारा टेडी। आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। तो मैं आपको सारे जो मैंने तैयार किए हैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर बना है, कितना बढ़िया बना है टेडी बेयर, बहुत ही बढ़िया बना है। मैं सारे आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने सारे आपको दिखा दिए हैं, 2 डिज़ाइन के हमने बनाए हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं, इस तरह से भी बना सकती है, और मोल्ड है तो ये भी बना सकती है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, कितना सुंदर बना है। और देखिए माना जाता है कि दोस्तों पहले हम खाने को आँखों से खाते हैं, फिर नाक से, फिर मुँह से। तो जो चीज़ आँखों को भा जाए वो तो बहुत अच्छा लगता है। हम कैसे प्यार दिखाए, प्यार तो दिखता
पता नहीं है, एक एहसास है। तो इस तरह से आप अपने प्यारे भाइयों के लिए ये प्यारी सी बर्फी बनाइए और उन लोग को खुश कर दीजिए इस रक्षाबंधन में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप मेरे तरीके से ये टेडी बर्फी ज़रूर बनाएंगे। डू राइट योर लवली कमेंट्स इन दी कमेंट सेक्शन। ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।